ताई अब्बू को गोलियां लगी हैं, अब्बू घर आओ जल्दी हो, मैंने सब कुछ छोड़ा, मैंने अब घर आई तो देखा भाई को लेके जा रहे थे रक्षे में। अच्छा मैंने उसके साथ भागी, जगह सड़क में गई थी और रास्ते में गई तो उसने की डेथ हो चुकी थी। एक भाई को खत्म कर गया और दूसरों को भी खत्म कर सकता है, हमें खतरा है, हमें इंसाफ चाहिए, वजीरे आले से हमें इंसाफ चाहिए। हमें ऐसी बहने हैं, आपकी अपने भाइयों की बहने हैं, हमें नहीं सुकून हो रहा अस्सलाम वालेकुम हमारे नाजरीन, मैं आपका मेजबान आयान सरवर और आप देख रहे हैं 42 HD TV। नाजरीन, एक मैं ऐसे घर में मौजूद इस हूँ जहाँ पर दिन दहाड़े एक कत्ल किया जाता है और कत्ल की वारदात तकरीबन मगरब का टाइम था उस वक्त, और 13 गोलियां मारकर कत्ल किया गया उस बंदे को। मेरे साथ उस भाई की बहन मौजूद है, बात करेंगे कि भाई का किसी के साथ लेन देन या कोई दुश्मनी थी, क्या मामला था, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन, मुझे ये बताएं, आपके भाई को दिन दहाड़े कत्ल किया गया है, क्या मामला था। कोई मामला था नहीं, मेरे भाई ने हमें कुछ भी नहीं बताते थे, अच्छा हमने अपने घरों में थे। छोटा भतीजा गया था, उन्हें कहा था ताई अब्बू को गोलियां लगी हैं, अब्बू घर आओ जल्दी हो, मैंने सब कुछ छोड़ा, मैंने अब घर आई तो देखा भाई को लेके जा रहे थे रक्षे में। अच्छा मैंने उसके साथ भागी, जगह सड़क में गई थी और रास्ते में गई तो उसने की डेथ हो चुकी कभी भाई ने बताया हो कि मेरी थी, किसी के साथ दुश्मनी है। हमें नहीं बताते थे, बहन कुछ हौसला भी करें, हम नहीं आपका दर्द बताया समझते था, हैं, कुछ भी नहीं लेकिन बताया था देखें हमने। इस टाइम सब्र करें, आप जो होना था वो हो गया, लेकिन अब ये है कि आपको किसी के ऊपर शक है कि कौन बंदा हो सकता है। भाई हमें कुछ भी नहीं बताते थे, भाई किसी का लेना देना भी नहीं था उसका, अच्छा किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी, पता नहीं क्या कर रहे थे, हमें पूछ पूछ के बैठ गया, हमें कुछ नहीं बताया उसने, बस उसने कलमा जरूर पढ़ा और कुछ भी नहीं बताया हमें, हम पूछ पूछ के थक गया, हमें उसने कुछ भी नहीं अच्छा जब बताया आप वहां उसने। पे पहुंची थी, आपका भाई जिंदा था उस वक्त। हाँ जिंदा था मेरा भाई, जिंदा था, कॉर्पोरेशन तक चौक तक मैं जिंदा रहा था, मैं कलमा पा रहा था। भाई भाभी से उसने माफी भी मांगी है, मुझे माफ कर दो जो कुछ बोल, मुझे माफ कर दो। और भाभी ने कहा आपको हुआ क्या है, भाभी पूछ पूछ तक थक गई थी, भाई ने कुछ भी नहीं बताया कि इसलिए क्यों नहीं बताया कि दो भाई हैं और भतीजे हैं, इसलिए उसने क्या कोई दुश्मनी ना पड़ जाए, इसलिए उसने कुछ भी नहीं बताया हमें, कुछ भी हमने पूछ पूछ थक गया, नहीं उसने नहीं बताया। अच्छा बहन, मुझे ये बताएं कि आपके भाई जो हैं वो काम क्या करते थे, खेती खेती, बाड़ी करते थे, हाँ जी खेती कर रहे थे तो उस वक्त कहाँ पे वो मौजूद थे जहाँ जब उनको गोलियां मारी गई थी। हम, जब आए थे हवेली में, कह रहे थे हवेली में दूध चोने के लिए आया था अच्छा और दूध चो के मतलब दूध भी नहीं चुआ उसने, भाभी को कहता जो आप भतीजे को लेके हो, मेरे भतीजे को, तो भाभी वो उसको लेने आ गई थी, भाभी को पता भी नहीं था, भाभी को किसी बच्चे ने कहा कि ताए अबू को फोत हो गए, ओ भाई गोली लग गई है, जैसे बच्चे बताते हैं अच्छा बड़ों को, भाभी भाग के गई, उसने लेटा हुआ था, 13 गोलियां लगी हैं उसको, अच्छा इसलिए भाभी भी रोने लग पई, उधर वाम भी इकट्ठी हो गई है, पहले कोई भी नहीं था। अच्छा मुझे ये बताएं, वो हवेली है किन लोगों की। वो हवेली हमें भी नहीं पता, वो किसकी हवेली है भाई को पता है, हमने कभी पूछा ही नहीं, हमें कभी कभी आते थे अच्छा तो भाई भाई नहीं हमें बताते थे, क्या ऐसे कहते थे काली ठेकेदार की में है और हमें नहीं पता वो कौन है कौन नहीं। अच्छा आपके भाई ने कभी भी नहीं ये बताया कि जिस हवेली में उन्होंने जानवर बांधे हुए हैं वो हवेली है किन की। नहीं हमें नहीं पता वो किसकी है, हमारे घर भी यही है और हमें नहीं पता वो हवेली किसकी है, हमें भाई को सजा दी गई है, उसने पता नहीं कहाँ से कौन आ गया था हमारे भाई को, हमारा सर का साया था वो, हमारे पीछे जाने वाला वो था, हमारे अब्बू अम्मी नहीं है, उसने हमारे सर में हाथ रखा है, उसने मेरे भाई ने सानू किसी चीज की कमी नहीं उसने आने दी, मेरे भाई को इंसाफ दो, वजीरे आला हमें इंसाफ दो कि उसे ऐसे सजा मिलनी चाहिए जैसे हमारे भाई को दी गई है, उसको क्यों हमारे भाई को सजा।
मेरे भाई को जैसे सजा दी गई है ना, उसने को उसे भी ऐसे सजा दो। अच्छा भाई जी तुम दसो कि इन्हें लोग कट्ठे हुए सी, किसी ने भी इन्हें सियाना नहीं पहचाना नहीं, कौन हो सकता है? भाई वो कैमरों में देखा था, वो उसने नंबर प्लेट में चिट्टा कपड़ा लेटा अच्छा हुआ बाइक था। पे आया था। हाँ पता नहीं बाइक सी के होंडा सी, अच्छा तो कैमरों में देखा है हमने। अच्छा वो ऐसे नकाब किया था और टोपी ली हुई थी, पता नहीं क्या क्या चेहरा नहीं नजर आ रहा था। उन्होंने बाइक में जो नंबर प्लेट भी कोई पढ़ लेता तो उसने नंबर प्लेट भी कपड़ा चिट्टा लेटा हुआ था, अच्छा मतलब कपड़ा बांधा हुआ था ऊपर बांधा नंबर प्लेट हुआ के ऊपर। था। अच्छा हाँ जी बांधा हुआ था। फिर ते वो ऐसे गया जैसे गोली जाती है। हमने मस्जिद मारी, हम यहाँ पे रहते हैं, हमारी मस्जिद के कोल भी उसने दो गोली निकाली है, अच्छा तो फिर चला गया। अगो हमें नहीं पता वो कौन था कौन नहीं था। हमारे भाई को इंसाफ दो, वजीरे आखिर आले हमारे भाई को इंसाफ दे। आखिर उस बंदे को किसी ने मुखबरी दी है या किसी को पता होगा कि ये इस टाइम इसका भाई यहाँ पे ये बंदा वो मौजूद है, उस बंदे ने किसी ने बताया होगा ना उसको कि यह बंदा आ गया तो आप अपना काम कर दे। भाई हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता है। हम अपने घरों में थे, जिसे हम गोली लग गई थी, रक्षे में बैठा लिया था, हम वहां पे तब आए। तो मोहल्ले वाले क्या कहते हैं किसी जिसने देखा है? पता नहीं वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, हमें कुछ नहीं पता। अच्छा खाला तुझे की कहना चाहते हो? भाई तानू साफ चाहिए, तानू वो बंदा चाहिए। मेरे दो अपने मैंने दो उनके पुत्र ने अच्छा सानू तुझे खाला लगते हो? अच्छा जीवन सानू साफ चाहिए, सानू बंदा पैसा खा दिन बस जीवन कुछ नहीं कह सकते। निके निके उनके बच्चे नाजिन देखें कि दिन दहाड़े 13 गोलियां मारकर कत्ल किया जाता है और पता नहीं है कि दुश्मन है कौन, गोलियां मारता है और फरार हो जाता है लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। पुलिस पीछे पड़ी हुई है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, देखते हैं आगे होता है क्या। बेटी मैंने दसो अच्छा कि तुम्हारे भाई इस अलावा और कोई काम करते सी, मतलब खेती बाड़ी के अलावा? खेती बाड़ी तो करते सी, जहां उसने डंगर रखे हुए थे, एक पहले थोड़े बेच लिए थे, अब एक ही है, गाय और एक बच्ची है छोटी सी, अच्छा बस ये दो हैं, और कुछ भी नहीं करते थे, बस खेती का करते थे। किसी के साथ पैसे का लेन देन हो, किसी के साथ तो कोई ऐसा मामला हो? वो हमें नहीं बताते थे हमें क्या करना था, बाहर की गल घर में नहीं करते, घर की बात बाहर नहीं करते, लोगों कुछ के भी नहीं साथ कैसे बताते। रहते थे, लड़ाई झगड़ा अच्छे करना? रहते थे मेरे भाई, अच्छे रहते थे सारे के साथ, सब सलूक सो अच्छा करते थे मेरे भाई, कभी नहीं उसने लड़ाई की है किसी के साथ भी। पता नहीं कैसे किसी ने दुश्मनी निकाली हमारे भाई के साथ, पता नहीं कैसे क्यों किया मैं नहीं पता। अच्छा जो वो जानवर रखे हुए थे वो आपके भाई ने अपने रखे हुए थे? अच्छा हाँ जी अपने रखे हुए थे, उसने अपने ही रखे हुए थे, वो किसी के भी नहीं थे। हाँ तो उस वक्त वो वहां पे दूध लेने के लिए गए थे जानवरों का? अच्छा जी जो दूध लेने गया, भाभी कह रही थी और सारे कह रहे थे दूध लेने गया था, और भाभी भी गई, भाभी को कह रहे थे जो अब नवाज को लेके, और नवाज को लेने आई, अब उसने कहा था कि मकसद वो घर आई है, नहीं ढूंढा नहीं मकसद लब्बा, तो वो चली गई है। रास्ते में बच्चों ने कहा था अबू की ना गोली लग गई, वो भाग के गई है, देखा तो लेटा हुआ था। किसी के ऊपर आपको शक हो, किसी फैमिली मेंबर्स में या किसी और को? नहीं किसी किसी ने ऐसा किया ही नहीं, हम किसी के क्यों शक करें, पर पता नहीं वो कौन था कौन नहीं है, जो हमारे भाई को ऐसे करके गया, 13 गोली लगा के गया है, कैसे लगा के गया हमें कुछ नहीं पता है, क्यों लगा के गया है हमारे भाई को, जी नाजिन हमें खतरा है, हमें खतरा है, हमारे दो भाई हैं, मेरे भतीजे, हमें खतरा है, सबसे खतरा में जो भी वो फिर आ सकता है, एक भाई को खत्म कर गया और दूसरों को भी खत्म कर सकता है, हमें खतरा है, हमें इंसाफ चाहिए वजीरे आले से, हमें इंसाफ चाहिए, हमें ऐसी बहने हैं आपकी, अपने भाइयों की बहने हैं, हमें नहीं सुकून हो रहा, हमारे भाई दूसरे सलामत रहे हैं। जी नाजिन देखें कि छोटे बच्चों के वालद को दिन दहाड़े कत्ल किया जाता है, 13 गोलियां मारने के बाद वो बंदा फरार होता है और रास्ते में भी अंधाधुंध गोलियां चलाता है और जगह जगह पे रुकता है, गोलियां चलाता है और फरार होता है। पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है लेकिन अभी तक वो बंदा गिरफ्तार नहीं हो सका।
देखते हैं कि पुलिस की कहां तक इन्वेस्टिगेशन जाती है। इसी के साथ मुझे जल्द दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।